नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप सभी देख ही पा रहे हैं कि आज है वट सावित्री व्रत और हम सभी मिलकर घर की सारी महिलाएं यहाँ पे इकट्ठा हैं और सभी ने बस यहाँ पे पूजा पाठ शुरू कर दिया है। और सबसे पहले सभी सुहागन महिलाओं के लिए वट सावित्री व्रत की बहुत बहुत बधाई हो। और यहाँ पे हम सभी ने क्या किया है, सबसे पहले वट सावित्री व्रत में जो है वट के पेड़ के नीचे ही हम लोग यहाँ पे पूजा पाठ करते हैं। तो बर गाछ के जो पेड़ के पत्ते होते हैं ना, पहले हम लोगों ने सबसे पहले उसे तोड़ा है यहाँ पे, और यहाँ पे उसी पे हम लोग क्या करते हैं, भोग लगाते हैं। और जल को जो है ना, हम लोग बाल्टी में रात में ही रख देते हैं, क्योंकि वट सावित्री व्रत की पूजा इसीलिए होती है कि ताकि पति को ठंडा रखा जाए, उसके उनके गुस्से को शांत रखा जाए, तो ऐसा कहा जाता है। इसी के कारण बस हम लोग यहाँ पे पंखे को यूज़ करते हैं और जितने ठंडे ठंडे फल होते हैं वो सारे यहाँ भोग लगाए जाते हैं। और सबसे पहले मैंने जल को यहाँ पे रात में ही शाम में बाल्टी में, भाभी ने रात को ही बाल्टी में करके रख दिया था, और सुबह सुबह उसी जल को से हम लोग यहाँ पे पूजा करते हैं। देखिए सभी हम लोग जितनी भी महिलाएं ना यहाँ पे, भाभी हैं, आंटी हैं, सभी मिलके बस पैदल ही चलते हुए, हम लोग पास में ही घर है तो पैदल चलते हुए यहाँ पे आते हैं और यहाँ से फिर वापस चले जाते हैं पूजा करने के बाद। ये एरिया जो है ना, ये हम ही लोग का पास के जगह का है, इसीलिए हम यहाँ पे हम लोग हमेशा इसी जगह पे आके पूजा पाठ करते हैं। ये देखिए सामने का व्यूज़ है कुछ इस तरह से, सामने बहुत सारे पेड़ पौधे हैं और ये सामने का खेत है। और यहाँ पे भाभी ने और हमने पहले दोनों ने मिलकर पूजा कर लिया है और यहाँ अब हम लोग क्या करेंगे, फेरे लगाएंगे। भोग तो हम लोगों ने लगा लिया है, अब फेरे कर एक एक करके फेरे लगाएंगे। तो कच्चे धागे का जो होता है ना, यहाँ पे कच्चे धागे जो होते हैं मार्केट में बहुत इजीली मिलते हैं, और जैसा कि जो भी वर पूजा करता होगा ना, ये तो बहुत इजीली समझ में उनके आ जाएंगे कि कच्चे धागे से ही फेरे लगाए जाते हैं। तो टोटल हम लोगों ने 5 फेरे हम लोगों को लगाना है यहाँ पे, 5 से 7 फेरे आप लगा सकते हैं। और ये देखिएगा इस तरीके से सभी ने एक एक करके फेरे लगाए हैं। तो हम लोगों का देखिए 5 फेरे तो कंप्लीट हो चुका है और यहाँ हम लोग पिक्चर वगैरह भी ले रहे हैं साथ में। और अब हमें सबसे लास्ट में देखिए क्या करना है, यहाँ पे हमें गले लगना है। तो जब सारे पूजा ख़त्म हो जाता है ना, तो सबसे लास्ट में हमें जो बर का पेड़ होता है ना, उसके 5 बार हमें गले लगना होता है, इस तरीके से नियम है। तो हम सभी ने देखिए यहाँ पे तो घर पे आ गए हैं और आज गर्मी इतनी तेज़ हो रखी है ना कि बस मत पूछो ही मत, इतनी तेज़ गर्मी है।
और यहाँ पे बस आज मेरी बड़ी लड़की का तबीयत बहुत ख़राब हो गया था, युबू का, और मैं हम सभी जो है ना बस उसी में परेशान हो गए थे। किसी तरह से तो बस पूजा पाठ ख़त्म किए और भागते भागते बस यहाँ आए। और रात में ही इसे इसका थोड़ा थोड़ा तबीयत तेज़ था और सुबह होते कुछ ज़्यादा ही तबीयत ख़राब हो गया फिर से, जिसके कारण यहाँ पे देखिए उसे हम लोगों ने पहले तो कपड़े को चेंज कर लिया यहाँ पे और इसे बस खिला रहे हैं। इसने कुछ भी नहीं खाया है, वॉमिट सुबह से ही बहुत ज़्यादा कर रही थी। अभी थोड़ा देर के लिए ये सो के उठी है तो हम इसके लिए गीला चावल बना के तैयार किए हैं और बस उसी को 2 से 3 चम्मच खा रही है। और इसके साथ मैंने दही को लिया है, थोड़ा बहुत पेट ठंडा रहेगा इसके लिए मैंने दही के साथ इसको मिक्स करके खिला रही हूँ। तो आज का पूजा सिर्फ मैंने और भाभी ने ही किया है, मम्मी ने बिल्कुल पूजा नहीं किया। इसे छोड़कर मम्मी बोली कि हम कहीं भी नहीं जाएंगे, जाओ तुम दोनों पूजा करके आ जाओ। बस हम दोनों ने ही पूजा करके आए। बच्चे का जब तबीयत ख़राब होता है ना तो घर का पूरा माहौल ही चेंज हो जाता है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। फिर भी चलो पूजा था तो करना ही था और हम लोग बस इसी तरीके से घर वापस आ गए हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और अभी शाम के 4 बज रहे हैं और दिन है सोमवार। आज है वट सावित्री व्रत और मैंने सुबह ही सारे काम कर लिए, वट सावित्री व्रत की पूजा भी कर ली थी। आप सभी को बहुत बहुत वट सावित्री व्रत की बधाई। ये अभी तक गुस्से में है, शाम के 4 बजे से 1 घंटे से गुस्से में ही घूम रही है। और आज सुबह से ही मेरी बड़ी लड़की का कुछ तबीयत ठीक नहीं था, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान रही हूँ। रात से ही उसका थोड़ा थोड़ा तबीयत ख़राब ही था, जिसकी वजह से पूरा दिन ऐसे ही हम लोग का निकल गया। मैंने ब्लॉगिंग शाम में ही स्टार्ट की है और सुबह में मैंने थोड़ा बहुत सूट कर पाया है। और ये देखिए कौन है, ये मेरी छोटी बिटिया। हाय, हेलो बोल दो। हेलो, भाग गई। ओसु ओसु आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्या चीज के लिए गुस्सा है? क्या बात है, क्यों गुस्सा है? हेलो हेलो तो बोल दो, हेलो तो बोल दो। ये दोनों में हमेशा होते रहता है, जब देखो 1-2 घंटे पे हमेशा दोनों की लड़ाइयाँ चालू ही रहती हैं, कभी ये गुस्से में कभी वो गुस्से में, हमेशा वैसा ही होता है। ओसु क्या हुआ अब्दू? दोनों में पंगा हो गया, पंगा बहुत जबरदस्त वाला पंगा होता है, छोटा मोटा पंगा नहीं, थोड़ा बड़ा वाला पंगा होता है दोनों को। आ जाओ जाएंगे घूमने के लिए, बताते हैं ना, जल्दी आ जाओ। अच्छा अच्छा, वो बताते हम, हाँ दोनों जाएंगे घूमने के लिए। कहाँ जाएंगे पता है तुमको? हाँ जाएंगे छत पे। अच्छा तुम बता दो कहाँ जाएंगे घूमने के लिए, जल्दी आओ, बता दो बता दो, यहाँ से बता दो, मेरे साथ बता दो, बता दो कहाँ जाएंगे घूमने के लिए, बताओ। मार्केट। मार्केट क्या चाहिए मार्केट में? मेकअप सेट। मेकअप सेट? हाँ। किसका मेकअप करना है? खुद का मेकअप करेंगे। और थोड़ी सी नेल पॉलिश। नेल पॉलिश? हाँ। और क्या चाहिए? और कुछ नहीं। और कुछ नहीं चाहिए? एक ताज है तो एक नया सूट ले लो, नया ड्रेस। नया ड्रेस लेगा? और कुछ नहीं। और कुछ नहीं लेगा? नहीं। ड्रेस में क्या चाहिए? ड्रेस में जूता। ड्रेस में जूता चाहिए? जूता। और ड्रेस में क्या चाहिए? और कुछ नहीं। और कुछ नहीं चाहिए? नहीं। दीदी से पंगा हुआ तुम्हारा? अच्छा हेलो तो बोल दो, एक बार हेलो बोल दो।
अभी उसको भूख लग गया। ठीक है, आ रहे हैं। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय। आप सभी को मिलते हैं अगले वीडियो में, कल के वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए।